हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है ए आई रिजोल्यूशन में आज की वीडियो में हम सीमेंट कल्चर टेस्ट के बारे में जानेंगे सीमेंट कल्चर टेस्ट होता क्या है और इससे संबंधित बहुत सी जानकारियां गेन करेंगे सीमेंट कल्चर टेस्ट क्या है सीमेंट कल्चर टेस्ट इज द लेबोरेटरी टेस्ट विच इज़ डन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोगैनिजम इन दीमन दिस ऑल्सो टेस्ट इज इन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर माइक्रोगैनिज़म एंड देयर बाय फाइंडिंग द करेक्ट एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटमेंट सीमेंट कल्चर टेस्ट जो है वो एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो कि सीमन में जो बैक्टीरियल और जर्म्स जो हैं उनके बारे में बताता है और अगर बैक्टीरियल और जर्म्स गेन हो रहे हैं तो उस उस कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी वो भी सीमेन कल्चर टेस्ट से पता चलता है सीमेन कल्चर टेस्ट रिपोर्ट प्रोसेस इज़ 48 एट आवर्स पेशेंट गेट रिपोर्ट इन 48 एट आवर आफ्टर सैंपल पेशेंट जब अपना सैंपल देता है लैब में तो उसके 48 एट आवर्स के अंदर जो है पेशेंट को सैंपल की जो रिपोर्ट होती है वो रिसीव हो जाती है इसका जो प्रोसेस होता है टोटल वो 48 एट आवर्स का होता है और सीमेंट कल्चर जो टेस्ट होता है उसके लिए जो हम सीमेंट का सैंपल देते हैं वो हमें जो सैंपल है वो जांच के लिए पर्टिकुलर पंद्रह से बीस मिनट के अंदर देना होता है हु इज़ दिस टेस्ट फॉर ये जो जांच की जाती है वो किस चीज किस किस के लिए की जाती है किन के लिए परीक्षण होता है द सीमन कल्चर टेस्ट इज फॉर मेल पेशेंट हु हैव क्रेटे हेल्थ कंडीशन एज फॉलो सीमेंट कल्चर टेस्ट जो है वो मेल पर्सन पेशेंट का किया जाता है जो इन सब कंडीशन से चूँझ रहे होते हैं फर्स्ट वैन कपल्स हैव प्रॉब्लम गेटिंग प्रेगनेंट और सफ़र फॉर सम क्लिनिकल सिम्टम्स पेटेनिंग टू देयर जेंटल एरिया अगर जो कपल्स जो है वो प्रेगनेंसी में किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो सीमेंट कल्चर टेस्ट किया जाता है या जेंटल एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये टेस्ट किया जाता है वैन द पेशेंट सीमेंट इज फाउंड to have white blood cells during semen analysis, patient जो है वो semen analysis test कराया है, जिसमें कि उसके white blood cells पाए गए हैं, तो भी semen culture test किया जाता है। When there is burning sensation or bloody bloody discharge from the genital organ, अगर जो blood discharge हो रहा है genital area से तो भी सीमेन कल्चर टेस्ट जो है वो किया जाता है फॉर सच कंडीशन द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट सीमेन टू बी कल्चर एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो एगनइम इन सभी कंडीशन में जो है डॉक्टर जो है वो पेशेंट को सीमेन कल्चर टेस्ट के लिए एडवाइस करता है बेनिफिट ऑफ द टेस्ट दिस टेस्ट इज बेनिफिशियल फॉर कपल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर and also to have a check on the reproductive health of a male, a semen culture test is also done before any in any IVF or any IUI procedure. Any pathogenic substance in the semen can be identified using this test and appropriate treatment given before during the above clinical procedure. सीमेन कल्चर टेस्ट जो है अगर किसी भी मेल पर्सन को कोई भी हेल्थ हेल्थ इश्यू हो रहा है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या इंटरफर्टिलिटी से रिलेटेड तो सीमेन कल्चर टेस्ट किया जाता है ये उस कंडीशन में बेनिफिशियल रहता है आईवीएफ या फिर आईयूआई से पहले भी सीमेन कल्चर टेस्ट किया जाता है हाउ आर द रिज़ल्ट ऑफ सीमेंट कल्चर इंटरप्रेटेड सीमेंट कल्चर टेस्ट जो, है जो होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो किस तरीके से देखा जाता है इन मोस्ट केस रिज़ल्ट आर रेडी विद इन फोर्टी एट आवर्स फोर्टी एट आवर्स में जो है सीमेंट कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है डेट इज़ द टाइम इट टेकिंग फॉर कॉमन पैथोगेनिक माइक्रोर्गैनिज्म टू इंक्यूब्ड सीमन कल्चर मे बी फॉर्म टू बी नेगेटिव फर्स्ट होता है नेगेटिव नो पैथोगेनिक माइक्रोर्गैनिज़म इन फाउंड अगर कोई भी बैक्टेरियल जैम जो है वो नहीं पाए गए हैं ग्रोथ नहीं पाई गई है तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है सेकेंड होता है पॉजिटिव सम पैथोगेनिक माइक्रोर्गैनिज्म इज फाउंड इन दिस केस एनी एंटीबायोग्राम फॉलो विद आ लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक एजेंट्स टू विच द माइक्रोर्गैनिज्म इज सेंसीटिव विद सम पैथोगेनिक बैक्टीरिया सच एज माइक्रोप्लाजमा एंड यूरियो प्लाजमा द एंटीबायोग्राम इज नॉट नसेसरी एज द थैरेपी इज वेरी स्पेसिफिक हाओ एवर द मैन हैज़ टू कंसल्ट दिस फिजिशियन अगेन फॉर डेटरमाइनिंग द प्रॉपर डोसिज एंड डूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट को रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है जब उसमें जो बैक्टेरियल जर्म्स जो हैं वो ग्रोथ हो रहे होंगे तो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है सुपर इन्फेक्शन 3 or more bacterial strains are found in the sample meaning either that sampling was not conducted under sterile condition or the sample was contaminated by other external source in case in this case semen culture has to be repeated Agar तीन से ज़्यादा बैक्टीरियल्स पाए जा रहे हैं तो फिर वो सुपर इन्फेक्शन कर है इस केस में जो है डॉक्टर्स जो है दोबारा डबल अगेन सीमेंट कल्चर टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं